कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, आप लोग दे सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में पायलट बोले, केंद्र ने बौखलाहट में नहीं दी दिल्ली में रैली की इजाजत, बहुमत का घमंड ज्यादा नहीं टिकता। सचिन पायलट ने कहा कि इस रैली की घोषणा हमने पहले दिल्ली के लिए की थी, लेकिन केंद्र सरकार जानती थी कि अगर रैली दिल्ली में होगी तो बड़ा संदेश जाएगा, इसलिए बौखलाहट में उन्होंने रैली की इजाजत नहीं दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली आयोजित कर रही है। रैली दिल्ली में प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इजाजत नहीं मिलने के चलते इस रैली का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर अहंकार में बहुत ज्यादा देर राजनीति नहीं की जा सकती। सचिन पायलट ने कहा कि इस रैली की घोषणा हमने पहले दिल्ली के लिए की थी, लेकिन केंद्र सरकार जानती थी कि अगर रैली दिल्ली में होगी तो बड़ा संदेश जाएगा, इसलिए बौखलाहट में उन्होंने रैली को इजाजत नहीं दी। यह रैली पूरे देश की है, इसमें पूरे देश से लाखों कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। जयपुर से यह देश जान जाएगा कि केंद्र ने महंगाई को अनियंत्रित कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। उन्होंने कहा मिडिल क्लास जिसे बीजेपी को वोट बैंक माना जाता था वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। बीजेपी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, करोड़ों परिवार आज गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। इसके साथ ही इस बढ़ती महंगाई का कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। पूछो तो कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हो रहा है, लेकिन आज इस रैली जिससे जो संदेश जाएगा उससे केंद्र सरकार को कृषि कानून की तरह महंगाई को भी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कहा पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है जो हमारे समय 400 का था। आप हमारा विरोध करते थे लेकिन आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आधार जीएसटी कांग्रेस के जिन भी चीजों का विरोध करते थे उसे लागू कर दिया है। आपने कुछ उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों माफ कर दिया है। बहुमत के आधार पर घमंड से ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं की जा सकती। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। साथियों, इस देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर लोगों को बांटकर, मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है, आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी। वो पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस की तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का जिन्होंने आप सबको आह्वान करके यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से छत्तीस कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी गिनती चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है।
है और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब इतनी तादाद में आए, आपका स्नेह आशीर्वाद और प्यार हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।